Let's start with a new question. It says draw line segment of length 7.6 cm and divide it internally in the ratio of 3 ratio 2. Measure the two parts. So, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? You have to draw line segment of 7.6 cm. Then mark it as A and B. Then extend one line from A to C. C तक आप extension करोगे. और अब आपने क्या करना है? You have to मार्क फाइव इक्व डिस्टेंस पॉइंट्स फाइव पॉइंट्स आपने मार्क करने हैं और वो कैसे होने चाहिए दे मस्ट बी इक् डिस्टेंस मतलब कि इसका डिस्टेंस इन दोनों का डिस्टेंस मस्ट बी सेम और सबका सो लेट इट बी ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव अब आपने क्या करना है इसको डिवाइड कैसे करना है इन द रेशियो ऑफ थ्री रेशियो टू तो आप ज्वाइन करोगे किससे यहाँ से यू हैव टू ड्रॉ ए थ्री सबसे पहले ए फाइव को बी से करेंगे यू कैन कनेक्ट इट ए फाइव टू ए बी देन जो भी आपका एंगल यहाँ पर क्रिएट होगा वही एंगल आपने क्या करना है ए थ्री से कनेक्ट करना है और जैसे ही आप ए थ्री से कनेक्ट करोगे इट विल बी द सेम एंगल इट मस्ट बी एक्चुअली सेम एंगल दिस वन ठीक है ए फाइव बी मस्ट बी इक्वल टू ए ए थ्री इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P सो दे मस्ट बी सेम और उसके बाद आपने क्या करना है आपने ए पी मेजर करना है एंड यू हैव टू मेजर पी बी और बस उसकी मेजरमेंट्स लिख देना साइड में सो यस दिस इज ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन नाउ मूविंग टू द टेंथ वन